हेलो दोस्तों, फाइनली अपने इंडियन बाइक्स ड्राइंग 3D गेम का न्यू अपडेट आ चुका है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आप सभी अपने गेम को कैसे अपडेट कर सकते हैं एंड न्यू अपडेट के न्यू चीट कोड्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप सभी को मैं बता देता हूँ अपने गेम के न्यू अपडेट में हमें क्या क्या नया देखने को मिला है। उसके बाद में हम बात करेंगे गेम को कैसे अपडेट कर सकते हैं और न्यू अपडेट के चीट कोड्स के बारे में। तो दोस्तों, अपने गेम में हमें मिलने वाला है न्यू अपडेट के बाद में जो समुद्र एरिया है, यहाँ का वाटर है, जो पानी है, उसका ग्राफिक्स कलर है, वो काफी चेंजेस देखने को मिल चुका है। पहले तो हमें दोस्तों कुछ इस प्रकार से वाटर का कलर देखने को मिलता था, नीला नीला, आप सभी देख सकते हैं, काफी ऑसम लग रहा है। लेकिन दोस्तों, न्यू अपडेट के बाद में हमें कुछ इस प्रकार से वाटर का ग्राफिक्स कलर देखने को मिलने वाला है। तो आप सभी देख सकते हैं अब ये कितना रियलिस्टिक लग रहा है अपने गेम में। तो आप सभी कॉमेंट करके मुझे बता दीजिए, आप सभी को पहले वाला अच्छा लगा था, ये फिर न्यू अपडेट में एड किया गया है वो अच्छा लगा। और दोस्तों, आप सभी को पता है अपने में हमें एक जुरासिक पार्क भी देखने को मिलता है, उसके अंदर हमें कुछ एनिमल्स देखने को मिलते हैं, डायनासोर वगैरह। तो अब न्यू अपडेट के बाद में दोस्तों उसमें न्यू एनिमल्स भी ऐड कर दिए गए हैं जुरासिक पार्क के अंदर। तो आपको बताने वाला हूँ न्यू अपडेट में हमें कौन कौन से न्यू एनिमल्स मिलने वाले हैं जुरासिक पार्क के अंदर। उससे पहले दोस्तों, आप सभी को बताने वाला हूँ अपने गेम के न्यू अपडेट में हमें वो कार मिलने वाली है जिसके आपने सबसे ज्यादा कॉमेंट और सबसे ज्यादा डिमांड की थी, वह कार है दोस्तों थार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की काफी इच्छा थी और आप सभी काफी दिनों से कॉमेंट कर रहे थे अपने गेम में न्यू थार को ऐड किया जाए, न्यू थार को ऐड किया जाए। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी को न्यू अपडेट में न्यू थार मिलने वाली है, जो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, ये थार अपने गेम में कितनी रियलिस्टिक और कितनी ऑसम लग रही है। बात करें दोस्तों इसके कंट्रोल एंड कस्टमाइज के बारे में, तो कस्टमाइज का ये है दोस्तों, हम इसका कलर कस्टम कर सकते हैं, जैसे कि अदर कार का हम कलर कस्टम कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस थार का भी हम कलर कस्टम कर सकेंगे। और दोस्तों, इसके कंट्रोल्स एंड ड्राइविंग स्किल की बात करें तो इसके कंट्रोल काफी स्मूथ तरीके से वर्किंग करते हैं और काफी रियलिस्टिक फील होता है तब हम इसको राइडिंग करेंगे दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को मिलने वाला है न्यू अपडेट में डॉग राइडिंग का ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, अपने गेम में जैसे कि हम हॉर्स को राइडिंग ड्राइविंग कर सकते हैं और स्मॉल डायनासोर को भी राइडिंग ड्राइविंग कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हम अपने गेम के न्यू अपडेट के बाद में इस तरह डॉग को राइडिंग कर सकेंगे। और हाँ दोस्तों, जैसे अपने गेम में ये न्यू थार को एड किया जा रहा है, तो ये मॉडिफाई वाली थार को रिमूव किया जा रहा है अपने गेम में से। तो आपकी क्या डिमांड है और आपकी क्या राय है कि इस मॉडिफाई वाली थार को रिमूव किया जाए या फिर नहीं? अगर आप रिमूव करवाना चाहते हैं तो यस कमेंट कर दीजिए, अगर नहीं करवाना चाहते हैं तो नो कमेंट कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, न्यू अपडेट में हमें जुरासिक पार्क के अंदर कितने न्यू एनिमल्स देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने गेम के न्यू अपडेट में न्यू एनिमल्स एड कर दिए गए हैं जो की हमें जुरासिक पार्क के अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे की एक तो ये वाला न्यू डायनासोर देखने को मिलने वाला है और ये एलिफेंट भी आपको देखने को मिल सकता है जो कि आप सभी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों, हमें सेकंड डायनासोर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलने वाला है। इन सभी में से दोस्तों ये वाला डायनासोर काफी डेंजर है, अपने गेम के करेक्टर को किल भी कर देता है और इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, RGS टूल से अपने कंट्रोल में ले भी सकते हैं। और जो अपने गेम में पहले वाले स्मॉल एंड बिग डायनासोर देखने को मिलते थे, वे भी अभी दोस्तों अपने गेम में वापिस मिलने वाले हैं आप सभी को। तो अब आपको अपडेट के बाद में अपने गेम के जुरासिक पार्क के अंदर 4 डायनासोर देखने को मिलेंगे। इनमें से एक तो स्मॉल डायनासोर एंड 3 बिग डायनासोर देखने को मिलने वाले हैं जो कि काफी डिफरेंट देखने को मिलने वाले हैं। और आप सभी में से दोस्तों किस किस की इच्छा है जो न्यू अपडेट में डायनासोर ऐड हो रहे हैं उन पर हमें राइडिंग का ऑप्शन आया, जैसे कि हम स्मॉल डायनासोर को राइडिंग कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे बिग डायनासोर का राइडिंग का ऑप्शन आया जिससे अपने गेम में और भी इंजॉयमेंट आए। तो भाई कौन कौन चाहता है इस वीडियो में कॉमेंट कर सकता है। अगर आप कॉमेंट ज्यादा करते हैं और डिमांड रखते हैं तो आपको आने वाले इसी न्यू अपडेट में डायनासोर की राइडिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। बस आप सभी को क्या करना है, बिग डायनासोर ड्राइविंग एक्टिविट, बिग डायनासोर ड्राइविंग एक्टिविट कुछ इस प्रकार से सबसे ज्यादा कमेंट करने हैं। तो दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। बात कर लेते हैं दोस्तों, आप सभी को क्या इसी न्यू अपडेट में ये एलिफेंट मिलने वाला है या फिर नहीं? तो दोस्तों अभी इस एलिफेंट को अपने गेम में अपडेट के अंदर फिक्स नहीं किया गया, तो आप सभी की क्या डिमांड है और क्या राय है, क्या आप आपके गेम के आने वाले इसी न्यू अपडेट में इस एलिफेंट को एड करवाना चाहते हैं? तो सबसे ज्यादा कॉमेंट करनी होगी आप सभी को एलिफेंट ओपी, एलिफेंट ओपी। और आप सभी अपने गेम के न्यू अपडेट में और कौन कौन से न्यू एनिमल्स ऐड करवाना चाहते हैं तो उनकी डिमांड रख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो जो ऐड करवाना चाहते हैं तो उनकी कमेंट कर दीजिए दोस्तों। अब बात कर लेते हैं अपने गेम के न्यू अपडेट में पुलिस स्टेशन के अंदर हमें क्या क्या फीचर्स और क्या क्या चेंजेस मिलने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, अपने गेम के हाल ही के रिसेंटली अपडेट में ये पुलिस स्टेशन हमें अपने गेम में देखने को मिला था, अपने न्यू हाउस के जस्ट वाली लोकेशन पर, सामने वाली लोकेशन पर देखने को मिला था। तो दोस्तों इस पुलिस स्टेशन के अंदर हमें कोई न्यू
फीचर्स देखने को नहीं मिला था। जैसे ही ऐड किया गया तो अंदर से कोई फ्लीस वगैरह कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल सिंपल तरीके से देखने को मिलता था। लेकिन दोस्तों न्यू अपडेट के बाद में इस पुलिस स्टेशन के अंदर हमें पुलिस भी मिलने वाली है, पुलिस गार्ड भी देखने को मिलेंगे। जस्टली बाहर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से गन लेकर खड़े हुए और काफी रियलिस्टिक लग रहे हैं। एंड अंदर हमें कुछ एनपीसी भी देखने को मिलने वाले हैं। एंड जेल के अंदर एक कैदी एनपीसी भी देखने को मिलेगा जो कि कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है। और पुलिस स्टेशन का जो सेकंड फ्लोर का सीक्रेट डोर था तो दोस्तों इस न्यू अपडेट में उसको भी ओपन कर दिया गया है। तो आप कुछ इस प्रकार से इस द्वार के द्वारा यहाँ से अपने सेकंड फ्लोर पर जा सकते हैं। तो काफी चेंजेस हो चुके हैं दोस्तों न्यू अपडेट में, आप सभी को पुलिस स्टेशन के अंदर काफी चेंजेस मिलने वाले हैं। सो दोस्तों अब बात करते हैं अपने गेम को अपडेट कैसे करें एंड न्यू अपडेट के चीट कोड्स क्या हैं। तो दोस्तों अभी तो आप सभी को अपने गेम का अपडेट देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन दोस्तों आज 5 मार्च 2024 हो चुकी है, तो आज के दिन आप सभी को अपनी इंडियन बाइस ड्राइंग 3D गेम का न्यू अपडेट मिलने वाला है। आप सभी को पता होगा दोस्तों आप सभी को जल्दी ही अपडेट देखने को मिलने वाला है। जैसे अपने गेम का अपडेट आ जाएगा मैं आप सभी को दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम आकर न्यू अपडेट के ऑल चीट कोड शेयर कर दूंगा। आप सभी रेडी रहना, जैसे अपडेट आए गेम को अपडेट कर लेना और अपने चैनल पर सर्च करके आ जाना दोस्तों। और हाँ दोस्तों आने वाले न्यू अपडेट में आप नया क्या ऐड करवाना चाहते हैं उसकी भी कमेंट कर दीजिए। और ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना प्यार सा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब।